नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आपकी रेडमी मोबाइल और साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हो, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आपको बताते हैं कैसे क्या करना है, पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो आपको अपने सेटिंग को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए हमें ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्वाइप अप करना है। स्वाइप अप करने के बाद आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमें ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसके बाद आपको देख लेना है जो वॉल्यूम है, जो कॉल की वॉल्यूम है या अलार्म की वॉल्यूम है, इसको आपको फुल कर देना है। इसके कारण यदि आप बंद कर देते हो तो इसके भी कारण आपके साउंड में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप ये देख लीजिएगा, यदि आप ये सही है तो आइए आपको बताते क्या करना है। कभी कभी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी आ जाती है जिसके कारण भी साउंड प्रॉब्लम आती है। तो आइए आपको बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के अबाउट फोन को ओपन कर लेना है। तो देखिए हमने अपने मोबाइल को अबाउट फोन पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको EMIUI वर्जन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यदि आपका यहाँ पर चेक फॉर अपडेट मांग रहा है तो आपको यहां से अपडेट कर देना है। इसके बाद भी यदि आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो ये समझ लो कि आपकी हार्डवेयर प्रॉब्लम है। तो हार्डवेयर प्रॉब्लम में यह है कि आपने अपने मोबाइल को कहीं माइक हिल गया है या अपने मोबाइल में कोई पानी डाल दिया है या पानी चला गया है, इसके कारण यह प्रॉब्लम आती है। आप अपने मोबाइल को मोबाइल सर्विस पर ले जाइएगा और वो आपकी मोबाइल ठीक करके दे देगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।